तो अब इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में देखो क्या क्या हो सकता है, जैसे बीवरेजेस हैं, एंटीबायोटिक्स हैं, केमिकल्स हैं, इंजाइम है, एंड अदर बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स हैं। ये सब इंडस्ट्रियल लेवल पे प्रोड्यूस किए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ माइक्रोब्स। और ये फर्मेंटर है, ये तो मैंने पहले ही दिखा दिया। तो प्रोडक्शन ऑफ एन इंडस्ट्रियल स्केल्स रिक्वायर द ग्रोइंग माइक्रोब्स इन वेरी लार्ज वेसल्स कॉल फर्मेंटर। प्रोडक्शन ऑन इंडस्ट्रियल स्केल्स पे क्या चाहिए? फर्मेंटर चाहिए, क्योंकि छोटा मोटा तो है नहीं। तो फर्मेंटेशन पढ़ाते समय मैंने बोला था कि अगर इंडस्ट्रियल लेवल पे ग्रो करना है तो हमें बड़े बड़े वेसल्स चाहिए जहाँ पे हम फर्मेंटेशन परफॉर्म्स कर सकते हैं। तो वो क्या है, बड़ा बड़ा वेसल्स को ही बोलते हैं फर्मेंटर बोला जाता है। तो यहाँ पे बड़े बड़े फर्मेंटर यूज करने जा रहे हैं तुम्हारा। अब यहाँ पे प्रोडक्ट क्या है, माइक्रोब्स क्या है, उसी चीज को यहाँ पे देखना है। तो यहाँ पे टेबल बना बना के माइक्रोब्स के नाम लिखने, तो मेरे साथ ही तुम लोग लिखोगे टेबल ड्रॉ कर करके। और थोड़ा बहुत उसका एप्लीकेशंस भी है, एप्लीकेशन एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा तो साथ में लिख लो, अच्छा है, याद रखने के लिए भी काम आ जाएगा और ऐसे प्रैक्टिकली भी बहुत सी चीजें हम लोग को सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल लेवल पे बनाएंगे। बहुत कुछ प्रोडक्ट है तो यहाँ पे कुछ हम लोग को लिमिटेड ही है, लेकिन इससे तो बहुत सारा प्रोडक्ट होता है। कुछ प्रोडक्ट देखो, जैसे जनरल पॉपुलेशन, मतलब जो जनरल लोग यूज करते हैं उनके लिए डायरेक्ट प्रोडक्ट बनता है। कुछ इंडस्ट्रिया है कि जो दूसरे इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल बनाता है, समझे? तो वो तो हमें पता नहीं चलेगा, लेकिन उस तरह का भी बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो दूसरे इंडस्ट्री के लिए भी प्रोडक्ट का फॉर्मेशंस कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, चलो अब इसी तरह से तुम लोग भी क्या करना है, एक टेबल बना लेना। तो पहले देखते हैं अल्कोहलिक बेवरेजेस। तो अल्कोहलिक बेवरेजेस में इसमें देख, एक है तेरा यहाँ पे ये प्रोडक्ट है, सॉरी ये हम लिखेंगे, ये प्रोडक्ट है, ये पहला टेबल हो गया प्रोडक्ट। दूसरे में ये है तेरा माइक्रोब्स कौन सा यूज करने जा रहे हैं, ठीक है, और तीसरा जो है इसमें अल्कोहल कंटेंट कितना होता है, ठीक है, और लास्ट वन जो है इसमें सबस्ट्रेट कौन सा यूज करते हैं। सबस्ट्रेट का मतलब हो गया कि उसको बनाने के लिए स्टार्टिंग में रॉ मटेरियल क्या होगा, बैक्टीरिया तो चलो हमें पता है कि कौन सा यूज करने वाला है, लेकिन उसी तरह से हमें क्या देखना पड़ेगा कि सब्सट्रेट क्या यूज करते हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे हम बियर ले लेते हैं, तो बियर में पहले तो याद करो कि इसमें अल्कोहल कंटेंट कितना होता है। तो अल्कोहल कंटेंट जो होता है इसमें 3 से 6% के आसपास होता है, 3 से 6 to 8% भी चल सकते हो, 3 से 6% होता है तुम्हारा, ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, माइक्रोब्स क्या यूज करते हैं, सेक्रोमाइसिस सेरेविसिस यूज करते हैं, सेक्रोमाइसिस सेरेबेसिस। तो ये नाम से क्या पता चल रहा है, तो यहाँ पे मैं साइड में लिखता हूँ, लेकिन तुम लोग इसी के ब्रैकेट में लिख लेना, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखूंगा, यहाँ पे लिख देता हूँ, मतलब ये जैसे माइक्रोब्स है क्या, सेक्रोमाइसिस सेरेबेसिस ये फंगस होता है, ठीक है, फंगस। एक्चुअली में यहाँ पे जितने हैं सब फंगस ही है, ये सब फंगस फंजाई ग्रुप के हैं, मेंबर है सब के सब। अब वो चाहे सेक्रोमाइसिस पायरीफॉर्म्स है, सेक्रोमाइसिस एलेप्सोडेंस है, या सेक्रोमाइसिस सिक, हालांकि जरूरत नहीं पड़ने वाला है। देख बियर में याद रखना, जरूर याद रखना, मतलब इसमें हम लोग सेक्रोमाइसिस सेरेविसिस को यूज करते हैं एज ए माइक्रोब्स। बियर बनाने के लिए हम लोग इसमें सबस्ट्रेट जो यूज करते हैं बार्ली ग्रेन यूज करते हैं, बार्ली या गेहूं जो होता है ना उसी का पार्ट होता है, उसी को यूज कर सकते हैं। उसके बाद एक होता है एली, एली जिंजर बियर को कहते हैं, तो इसमें अल्कोहल कंटेंट 6% के आसपास होता है, इसमें भी बार्ली ग्रेन्स को यूज करते हैं, ठीक है, नाम है जिंजर बियर लेकिन ऐसा नहीं कि जिंजर नहीं डाल के बनाए हैं। उसके बाद है वाइन, तो वाइन में अल्कोहल कंटेंट 10 से 20% होता है, मतलब बियर से ज्यादा होता है, ध्यान रखना बियर से ज्यादा होता है, 10 से 20% होता है। और वाइन में खास जो होता है ये इस बनता किससे, फ्रूट जूस के फर्मेंटेशन से बनता है, जैसे ग्रेप्स है तो उसको फर्मेंटेट, ग्रेप जूस जो होता है उसको फर्मेंटेट करके बना देते हैं, तो ये बनता है वाइन, ठीक है। बाकी इसमें सेक को छोड़ दो, इसको मत लिखना, इसको छोड़ दो, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, अब तो नहीं पड़ने वाला, पहले पढ़ भी सकता था, अब तो इसकी नहीं पड़ने वाली, तो इसको छोड़ दो, ठीक है। इसमें क्या हो गया, अल्कोहलिक बेवरेजेस में बियर है, एली है और वाइन है, ये सब नॉन डिस्टिल प्रोडक्ट है। अब डिस्टिल प्रोडक्ट में भी देखना है, देखो नेक्स्ट आ जाते हैं, ये तो अल्कोहलिक बेवरेजेस था। अब अल्कोहलिक बेवरेजेस में ये डिस्टिल्ड
अल्कोहली बिवरेजेस। अब डिस्टिल्स का मतलब क्या होता है एक्चुअली में, इंडस्ट्रीज में ना जैसे फर्मेंटेशन के बाद उसको हम लोग फिल्टर करके अगर उसी को बोतल में भर देते हैं सीधे, जैसे बियर के केसेस में या वाइन के केसेस में। जैसे वाइन में क्या होता है, जैसे फ्रूट जूस लिया, माइक्रोब्स डाल के उसको फर्मेंटेट किया, फर्मेंटेशन के बाद उसको फिल्टर कर लिया जाता है, अलग अलग फिल्टर लगा के फिल्टर कर लेते हैं, ठीक है। और वो जो लिक्विड बचा ना, उस पूरे लिक्विड को बॉटल में पैक करके बेचा जाता है, तो वो अनडिस्टिल्ड प्रोडक्ट है। बट ये जो प्रोडक्ट हम लोग अब देखने जा रहे हैं वो डिस्टिल्ड प्रोडक्ट होता है। तो डिस्टिल्ड प्रोडक्ट में क्या होता है, अलग अलग डिस्टिलेशन प्लांट होता है। डिस्टिलेशन वर्ड सुना है कहीं पे, कभी ना कभी तो सुना होगा बचपन में। देख अगर मान ले दो लिक्विड है और उनको सेपरेट करना है, तो दो लिक्विड को सेपरेट करने का तरीका जो होता है वो होता है डिस्टिलेशन, उसी को कहते हैं डिस्टिलेशन। कैसे दो लिक्विड को कैसे करेंगे, हाँ कंडीशन, एक कंडीशन वो होना चाहिए, अगर दोनों लिक्विड जो हम जिसको सेपरेट करने वाले हैं उन दोनों लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होना चाहिए, सेम बॉइलिंग पॉइंट में नहीं। तो अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट अगर होता है ना तभी हम सेपरेट कर सकते हैं, तभी ये पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। करते क्या हम लोग इसको बॉयल करते हैं। अब जैसे बॉयल करना स्टार्ट करेंगे ना टेम्परेचर पे, तो वो इवेपोरेट हो जाता है, तो जिसका पहले बॉइलिंग पॉइंट आएगा वो पहले अलग हो जाएगा, मतलब वो इवेपोरेट होकर अलग होने लगता है। इसी प्रोसेस को कहते हैं डिस्टिलेशन। तो यहाँ पे ये जो बिवरेजेस है ये डिस्टिल्ड प्रोडक्ट होता है, डिस्टिल अल्कोहलिक बिवरेजेस होता है। तो करते क्या हम लोग इसमें, इसमें हम लोग अब उसको बॉयल करते हैं फिर उसको अलग करते हैं, तो ये थोड़ा सा रिफाइंड प्रोडक्ट होता है, अच्छा होता है, इसलिए महंगा भी होता है तुम्हारा, अच्छा होता है, रिफाइंड होता है तुम्हारा, ठीक है। तो इसमें एक है जैसे जिन या रम, अल्कोहल 40% होता है अल्कोहल, और इसको हम बनाते हैं सबस्टेट। ये सबस्टेट है, ये सबस्टेट है, सबस्टेट कौन सा यूज करते हैं, माइक्रोब्स यहाँ पे नहीं है। तो माइक्रोब्स में देखिए जितने भी प्रोडक्ट है ना अल्कोहलिक बिवरेजेस, उसमें सेक्रोमाइसिस ही सब जगह कॉमन मिलेगा, यही वाला सेक्रोमाइसिस सेरेबेसिस। तो अगर मान लो कुछ नहीं तो सेक्रोमाइसिस सेरेबेसिस को याद रखना, तो इसमें किसी भी प्रोडक्ट को बनाना है तो सेक्रोमाइसिस सेरेबेसिस को यूज किया जाता है, ये बहुत कॉमन है। देख अब कहोगे कि एक ही माइक्रोब्स है और अलग अलग प्रोडक्ट कैसे बन रहा, तो अलग अलग ये जो प्रोडक्ट है ना ये सबस्ट्रेट पे डिपेंड करता है। जैसे राई या मोलेसिस को फर्मेंटेट करते हैं तो रम बनता है, सेरियल्स जो होता है उसको फर्मेंटेट करते हैं तो विस्की बनता है, फ्रूट जूस को अगर हम फर्मेंटेट करते हैं और उसको डिस्टिल्ड प्रोडक्ट बनाते हैं तो ब्रांडी बनता है। तो हम एक तरह से कह सकते हैं ब्रांडी जो है ना वो वाइन का रिफाइंड प्रोडक्ट है। उसी तरह से अगर पोटैटो स्टार्च जो होता है उसको फर्मेंटेट करके बनाते हैं तो उसी को बोलते हैं वोडका। तो आलू जो होता है उसको मैश करके, पका के मैश करके उसी को सड़ाते हैं, तो उसमें से अल्कोहल जो बनता है वो होता है वोडका, ठीक है। और उसी तरह से अगर काजू एप्पल इन सबको अगर फर्मेंटेट करके बनाते हैं ना, काजू है एप्पल है, काजू मतलब वो जो काजू खाते हैं वो नहीं, काजू फ्रूट की बात हो रही है, समझे, किसकी बात हो रही है, फ्रूट की बात हो रही है, ठीक है। इसको बोलते हैं फेनी, कहते हैं फेनी। और फेनी तुम्हें इंडिया में ज्यादातर मिलता है, गोवा में मिलता है, इधर तो नहीं मिलेगा क्योंकि गोवा में ना काजू का खेती होता है, गोवा और उसके आसपास वाले का में काजू का फ्रूट्स का खेती होता है, तो काजू निकालने वो जो फ्रूट होता है उसको फर्मेंटेट करके बनाते हैं, फेनी बनाते हैं, ठीक है। ये अल्कोहल का परसेंटेज है, सबसे ज्यादा वोडका में ही होता है, देख रहे हो 60-80% होता है, ठीक है, और ब्रांडी में 60-70% होता है, सबसे कम बियर में होता है 3-6%। फेनी का मुझे नहीं पता इसलिए मैंने लिखा नहीं है, और तुमको याद करने की जरूरत नहीं। इसका क्वेश्चन यही है कि फेनी जो है उसमें किस सबस्ट्रेट से बनाते हैं, काजू और एप्पल्स को फर्मेंटेट करके बनाया जाता है, ठीक है।